हाल है आप लोग का, स्वागत है एक और व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया व्लॉग। आपको मालूम होगा मैं निकला हूँ एक सीरीज़ पे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शिमला तक टॉय ट्रेन दिखाया था। अभी मैं शिमला से वापस आ गया हूँ, दिल्ली आया था, दिल्ली से अभी आ गया यूपी। तो यूपी आके अपना हो गया नौवा राज्य, और यूपी में आके कवर करने वाला हूँ मैं भारत का सबसे फास्ट चलने वाला ट्रेन, जो है नमो भारत रैपिड रेल। अभी फ़िलहाल मैं हूँ शाहिबाबाद के स्टेशन पे, ये आप देख सकते हैं। तो शाहिबाबाद से मैं मेरठ तक लेने वाला हूँ रैपिड रेल, और आपको स्पीड दिखाने वाला हूँ। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यही आके भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा दिखता है। फिलहाल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लेके आया था, लेकिन तब वो सिर्फ दोहाई तक चल रहा था, अभी ये चलता है मेरठ तक, तो आपको दिखाना ज़रूरी है। और तब 160 नहीं चलता था स्पीड में, अभी 160 के स्पीड में भी चल रहा है। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं पूरा और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। वो भारत के हर एक स्टेशन पे पार्किंग मिल जाएगा, तो पार्किंग की चिंता आप नहीं कर सकते हैं, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नमो भारत के। अपना एंट्रेंस है, तो चलिए फ़िलहाल लेते हैं एंट्री स्टेशन में। फिलहाल मैं आ गया हूँ स्टेशन के अंदर, रैपिड रेल स्टेशन के अंदर। तो अभी जा रहे हैं ऊपर टिकट काउंटर की ओर। तो हर जगह ऐसे डायरेक्शन वगैरह सब मिल जाएंगे, तो आप ये देख के जहाँ जाना आप जा सकते हैं। और खाने का भी कुछ चालू हो गया है, पहले चालू नहीं था एक्चुअली। कुछ खाना होना तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पर टिकट काउंटर है, अगर आपको चाहिए तो टिकट वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिकली यहाँ से निकाल सकते हैं वेंडिंग मशीन से। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा स्टार्टिंग में, बैग जा भाई कैंसिल बाई टिकट और NCMC ऑपरेशंस। बाई टिकट पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड और प्रीमियम मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, ये सब ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ पर अपने को अपना ये टिकट स्कैन करना पड़ेगा, तो चलिए स्कैन करते हैं फिर अंदर जाके बातें करते हैं। और जैसे मैंने बोला, टिकट लेके मैं अंदर आ गया। एक्चुअली अगर दो टिकट आप ले रहे हैं तो आपको दो रिसिप्ट मिलेगा। तो टिकट लेने के बाद एक सिक्योरिटी चेक रहता है, तो सिक्योरिटी चेक क्लियर करना पड़ेगा आपको। मैं दिखाया नहीं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और फिर उसके बाद आप वहाँ पर स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप आ जाएंगे अंदर। तो आपको जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अगर आप जा रहे हैं मेरठ की ओर। तो ये आ गए हैं हम लोग रैपिड रेल के प्लेटफॉर्म पे। तो यही है अपना रैपिड रेल का प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, ताकि कोई पटरी पे गिरे हुए ना आगे होके ना जाए। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान है भाई यहाँ पर। ये कुछ अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। पर आप पूरा एक मैप देख सकते हैं अपने रैपिड रेल का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जंगपुरा से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से जाएगा अपना मोदीपुरम डिपो स्टेशन पे। तो ये आप पॉज करके अगर एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ट्रेल में ना आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, जो मैं वेंडिंग मशीन में भी बताया, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो मैं दोनों आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल पहले आपको स्टैंडर्ड दिखाऊँगा, फिर उसके बाद प्रीमियम दिखाऊँगा और कंपेरिजन करूँगा कि डिफरेंस क्या है, जो अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं वो वर्थ रहेगा कि नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड से डबल लगता है प्रीमियम। अभी मैंने दोहाई तक लिया है, वहाँ से मेरठ तक प्रीमियम लूँगा, लेकिन दोहाई तक 40 लगा है ना। अगर यही आप अगर प्रीमियम में करेंगे तो आपको 80 रुपये लगेगा। तो दोनों आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे। ले जाओ तो प्रीमियम का सेक्शन अलग रहता है, तो वो भी आपको जाके मैं दिखाऊँगा ज़रूर। अभी ये अपना नमो भारत रैपिड रेल, चलिए चलते हैं इसके अंदर अभी। फिलहाल मैं आ गया हूँ स्टैंडर्ड कोच के अंदर। तो स्टैंडर्ड कोच आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है, रेड इन कलर है। तो यहाँ पर देखने जाएंगे तो ऐसा भी आपको सीटिंग मिल जाएगा, तो यहाँ पर 4 लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ पर 4 लोग। फिर उसके बाद आपको टाइप ए चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह सब मिल जाएगा, फिर लगेज स्पेस तो आपको ऊपर मिल जाएगा भाई, इसका कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पर आपको ग्रैबिंग हैंडल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ये डोर के बगल वाला हो गया। और फिर यहाँ पर आप देखने जाएंगे तो सीटिंग वाला है, नॉर्मल सीटिंग वाला। मैं बैठ गया हूँ फिलहाल सीट पे, जो टूवर्ड्स और बैकवर्ड्स में जो रहता है। तो बोलने जाऊँ तो ये इसका आर्मरेस्ट मूवेबल है, एडजस्टेबल है, तो इसको आप उठा सकते हैं। सीट आके रिक्लाइन नहीं होगा, सीट तो
लाइक फिक्स्ड रहेगा, इसको आप रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। और हर सीट के लिए आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, लाइक टाइप ए का चार्जिंग सॉकेट नहीं, टाइप ए का मिल जाएगा पिन। ये कुछ ऐसा रेड इन कलर है और यहाँ पर आप मैगजीन रख सकते हैं। और ये अपनी रैपिड रेल निकल चुकी है और ऐसा कुछ दिखता है, स्टैंडर्ड क्लास है ये। व्यूज़ देख सकते हैं आप, व्यूज़ तो बढ़िया मिलेगा क्योंकि विंडोज़ अच्छा खासा ब्रॉड है। फिलहाल आ गए हैं गाज़ियाबाद स्टेशन पे। हम लोग गाज़ियाबाद आ गए हैं, इसके बाद कुलधार है, लेकिन जो स्पीड चाहिए था वो मिला नहीं। मैक्स स्पीड इस सेक्शन में फिलहाल तो 130 ही मिला है अपने को। गुलधार स्टेशन पे पहुंच गए हैं और आपने देखा स्पीड 149 टच किया, 150 टच करना रह गया, 160 टच करना है और 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे हम लोग गुलधार अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन क्या रन था भाई, क्या झकास रन था, सच बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया था। इस ट्रेन में सीसीटीवी के द्वारा निगरानी और रिकॉर्डिंग की जा रही है। This train is under CCTV surveillance and electronic footage is being recorded. दुहाई पहुंच गए हैं, लेकिन 160 टच नहीं किया। अब चलिए प्रीमियम टिकट लेके फिर से चलते हैं प्रीमियम सेक्शन में भी आगे। उस खोलने के लिए यहाँ पर हरी बत्ती बजेगी, तब आपको दबाना रहेगा। रैपिड रेल फिलहाल पहुंच चुकी है दुहाई स्टेशन पे। जैसे मैंने बोला 160 टच नहीं किया, तो चलते हैं एक और टिकट लेते हैं, प्रीमियम में बैठते हैं, फिर देखते हैं अगले सेक्शन में 160 टच कर पाता है कि नहीं। 149 मैक्स है इसका। मैं प्रीमियम क्लास का टिकट लेके आ गया हूँ, एक ही सेक्शन का लिया हूँ, जैसे एक ही स्टॉप का, दोहाई से मुरदनगर तक। अगर यहाँ पर अपना 160 टच नहीं किया तो आई गेस फिर रिटर्न में जब मैं जाऊँगा गाज़ियापुर के सेक्शन में, तब वहाँ पर देखता हूँ टच करता है कि नहीं। अगर इस सेक्शन में नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये क्यों मैं मेरठ तक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन है भाई अपना, थोड़ी देर में ट्रेन है अपना, क्या बोलते हैं, दिल्ली से, तो अपने को वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। देखते हैं इस सेक्शन में टच करता है कि नहीं। अगर आप प्रीमियम टिकट ले रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलता है। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या है वो। प्रीमियम क्लास टिकट ले रहे हैं तो आपको लॉन्ज एक्सेस मिलता है, तो चलते हैं लॉन्ज एक्सेस में। लॉन्ज में प्रीमियम लॉन्ज में यहाँ पर आपको पूरा सीटिंग वगैरह मिल जाएगा। नॉर्मल में इतना सीटिंग नहीं मिलेगा,
जितना आपको लॉन्च में मिलेगा, और यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर वगैरह सब मिल जाएगा। और अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो मस्त इधर सब लोग बैठ के चिल कर सकते हैं जब तक आपका ट्रेन नहीं आएगा। ये आपको दोबारा स्कैन करना पड़ेगा, जैसे मैं प्रीमियम टिकट को स्कैन करके अभी अंदर आया। चलते हैं प्रीमियम क्लास के अंदर अभी। प्रीमियम के अंदर आ गया हूं मैं, अभी आपको दिखाता हूं एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है प्रीमियम के अंदर। तो प्रीमियम आप देखेंगे कुछ ब्लू इन कलर दिखेगा, लगे स्पेस सब, ग्रैबिंग हैंडल सब सेम रहेगा, और सीट्स में थोड़ा कंफर्ट रहेगा इसमें। और बोलने जाऊं तो पूरा हेडरेस्ट वगैरह सब आपको मिल जाएगा। ये आर्मरेस्ट तो आपको मूवेबल रहेगा, और फिर ये एक एक्स्ट्रा रहेगा आपका, तो मज़ा आ जाएगा इसमें। और फिर आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर, कप होल्डर मिल जाएगा, लेग रेस्ट मिल जाएगा, उसमें नहीं था। फिर इधर आपको चार्जिंग के लिए एक सॉकेट मिलेगा, फिर आपको टाइप ए ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, सॉकेट भी मिल जाएगा, और इसमें आपको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, कोट होल्डर। सिक्सटी देखा, भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है रैपिड रेल 160 टच कर चुका है, स्टॉप आ गया। एक ही स्टॉप मैंने कवर करना चाहा, मैंने बोला ना इस सेक्शन में शायद हो सकता है, इसलिए इस सेक्शन में आया। अब उतरते हैं, उतरेंगे ना तो लॉन्च में ही उतरेंगे, प्रीमियम लॉन्च में आप देख सकते हैं। और फिर से आपको स्कैन करके बाहर निकलना है, तो स्कैन करके अपन बाहर निकलते हैं अभी। प्रीमियम क्लास लॉन से बाहर आ गया हूँ, मुरादनगर रेल स्टेशन है, रैपिड रेल स्टेशन। अभी एक काम करता हूँ, जब मैं वापस रिटर्न फिर से रैपिड रेल में ही जाऊँगा तो वीडियो रैपिड रेल में ही फिलहाल एंड करते हैं। अब बात करते हैं अपने रैपिड रेल फैसिलिटी की। बोलने जाऊँ तो एक्चुअली यही लगता है मेरे को नमो रेल की लास्ट रैपिड रेल ऐसी ट्रेन होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नमो भारत रैपिड रेल अपना अहमदाबाद से भुज तक इनॉग्रेट हुआ था, यानी भुज से अहमदाबाद तक इनॉग्रेट हुआ था। तो वो आके वंदे मेट्रो जो थी, वंदे मेट्रो, उसको नमो भारत रैपिड रेल बोल दिए हैं। ये भी नमो भारत रैपिड रेल ही है, NCRTC द्वारा IS रन कर रही है ये। अभी बात करें कॉन्स की, प्रोस तो मैंने दिखा दिया, स्पीड वगैरह सब बढ़िया है इसका। स्पीड तो जैसे मैंने बताया वो है ही, लेकिन सब कुछ स्पीड नहीं हो सकता है। कंफर्टेबल बोलने जाओ तो प्रीमियम क्लास कंफर्टेबल है, अभी कंफर्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन पैसा देने के चक्कर में भी बोलने जाओ इसका टिकट बहुत महंगा है, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से तो बहुत महंगा है। एक्चुअली जो नमो भारत रैपिड रेल, जो वंदे मेट्रो है जिसको नमो भारत रैपिड रेल किया, उसका टिकट सस्ता है, इसका तो भाई नेक्स्ट लेवल है। इसका मैंने चेक किया, अभी मैं जा रहा हूँ, फिलहाल जा रहे हैं मुरादनगर से शाहिबाबाद, और टिकट लगा है 60 रुपया, नॉर्मल स्टैंडर्ड जो कोच है, और प्रीमियम की 120 डबल कर लीजिए। और उसके बाद कौन से बताया जाऊँ तो वॉशरूम्स वगैरह उतने अच्छे नहीं है, और फिर एस्केलेटर फैसिलिटी काम नहीं कर रहा है कई सारे स्टेशन पे। फिर उसके बाद टिकट वेंडिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, मैं थक गया स्कैन कर करके। और जो टिकट देते हैं उनको टिकट मांग रहा हूँ तो अपने में ही लगे हुए हैं, मैं पिछली बार आया था सही था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। और ऑक्यूपेंसी उतना है नहीं, मैं जो बात रहता है फ्रैंकली बोलता हूँ, उसमें कुछ आगे पीछे करके बोलता नहीं हूँ। स्पीड तो अच्छा है, और जो एंड टू एंड अभी चालू नहीं हुआ है, अभी फिलहाल शाहिबाबाद से मेरठ साउथ तक ही चालू हुआ है। कहने जाऊँ ट्रेन का फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, फिर उसके बाद जब न तब लेट कर दे रहे हैं सच में। तो अभी आपने देखा जैसे नोटिस आया कि कृपया ध्यान दे करके ट्रेन विलंब हो सकता है, फिर अगर मैं इसके भरोसे 160 स्पीड कैलकुलेट करने जाता ना रिवर्स में वापस शाहिबाबाद की ओर, तो नहीं हो पाता भाई। मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं आगे बढ़ गया था। ये कुछ था अपने नमो भारत का, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये अपन यूपी में है, तो यूपी हो गया अपना 9 स्टेट जो कवर करने आए हैं।
अब यही लास्ट डेट रहने वाला आई गेस। देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है, कहाँ जाने वाले हैं। सब लोग रहने वाला ना, वो एक ट्रेन जर्नी है, गजब रहने वाला है, सच बोल रहा हूँ, एकदम मज़ा आने वाला है। वो एक राजधानी रहने वाला है, फर्स्ट एसी राजधानी रहने वाला है भाई। उसका टिकट आप अगले व्लॉग में सुनेंगे ना, शॉक हो जाएंगे, क्योंकि मैं बुक किया तो मैं ही शॉक हो गया कि ट्रेन का टिकट उतना रह सकता है, साला फ्लाइट में मैं चला जाऊँ उतना बुक करके। लेकिन उस वीडियो देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।